अभी हम लोग बाहर हैं, अभी हम लोग अंदर भी चलने वाले हैं। मैंने तब बाहर का नज़ारा करा दूँ आप लोगों को, बढ़िया बढ़िया रहे। और एक लाइव करने का एक अलग ही मज़ा है। वीडियो बनाते बनाते काफी क्राउड है। वाह, अभी हम लोग चलने वाले हैं क्या? Yes, this is a live telecast. Oh my god. In my channel. Okay, this is your channel. Yes, Chichi Superstar. Chichi Superstar. आप कुछ बोलना चाहेंगे? No, no, no. Thank you. कुछ तो बोलिए. No, ma'am. Thank you. Thank you. मतलब आप बैठे हो, क्या कर रहे हो? जस्ट हम इवेंट ऑर्गेनाइज जहाँ से हो रहा है ना, उस साइड से इवेंट। मेरे में भी अभी बिफोर टू ईयर मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मेरे में अभी भी मेल पड़ी है। बट क्योंकि क्या था ना, अभी बी में कोविड की वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस हाँ इससे हो गया था। बट मैंने मेरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं उनको हमेशा जो है संभाल के रखती हूँ। तो मैंने कहा बाहर से अभी आ गए मेरे पास, तो अभी नहीं आए ना दोनों? नहीं। वाओ, तो हम लोग अभी बने रहेंगे क्योंकि अभी लाइव ही देखते हैं। जब तक आ रहे हैं तब मैं कॉफ़ी पी। 7 बजे का टाइम था। Are you blogger? I am, you can say, I am YouTuber, blogger and artist and comedist, everything. I am performer, singer. This type performer, ma'am? Any type. You have many skills. Yes, I have many skills. I am singer and I am also singing in many languages. Yes. I'm already selected in every platform with big channels. Starting audition is, and you can imagine there's lots of contestants in the first audition. 10K, 5K, and I'm the only single one who always select in earliest first audition in ZTV, Sony TV. This is my, you can say, this is my shock. मैं हिंदी में बोलूँ क्योंकि मेरे को शौक है, तो मेरे को मैं अकेले बहुत अच्छा इंजॉय कर लेती हूँ। तो आप लोग सब लाइव बने रहो क्योंकि मैम को हम लोग आते हुए देखेंगे, कैप्चर करेंगे। टाइम तो 7 बजे के साथ आप देखो, लग रहा था मेरे को देर हो गई है। I love singing. आ गए हम लोग दोबारा। मैं कह रही थी ना, पेशेंस रखिए, आदत डाल लीजिए जियो को झेलने की। कॉफ़ी पूरी हो गई, एक कॉफ़ी पूरी हो गई, मगर मैम ने अभी तक है। हम लोग बैक कैमरे में पहुंच गए। आप लोग सब बने रहिए क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है।
मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा ही मजा आने वाला है। सब लोग वेट कर रहे हैं मैम सर। अंदर का भी नजारा लेके आया जाए। टाइम तो 7 बजे के साथ बात हुई आई थी, लोग पढ़ाने में टाइम लगता है। क्योंकि क्या है ना, मोबाइल में इतना स्टोरेज नहीं होता है कि वीडियो बहुत सारी बना ली जाए। लाइव में तो हम चाहे जितनी देर की बनाए कई कलर भी होता है। मैम तो अभी तक आई नहीं, मैम एकदम वेट हो रहा है। सर आए बाकी उसके बाद फिर मज़ा आएगा। अच्छी चीज़ नहीं मिलती आप लोगों को, देखना है लाइव देखना है। मैम और सर को तो इंतज़ार करिए और बने रहिए। सब तैयारी हो गई है, मुझे लग रहा है बस खाने ही वाली है। गाना मैं हमेशा अपने खास मौके पर गाती हूँ ना, ये गाना मेरे पापा को बहुत पसंद था। हाँ मेरे पापा नहीं रहे लेकिन मेरे पापा मेरे सपनों में हमेशा जिंदा रहेंगे, मेरे ड्रीम में जिंदा रहेंगे। क्या पानी पी लिया जाए? नहीं पानी नहीं पिया जाएगा, यहीं पे खड़े खड़े इंतजार इंतजार इंतजार। तो हम तो सोचे आप आएंगे। हम लोग क्या करें, अंदर कभी थोड़ा नज़ारा ले लें, टाइम देखा जाए कितना हो रहा है। 7:25
मुझे लगता है अंदर चला जाए, क्योंकि अंदर ताली वालियों की गड़गड़ाहट हो रही है, तो अंदर चलने चला ही जाए। फिर अंदर कह देंगे, लेकिन नहीं है अंदर भी कुछ हो रहा है लगता है। मैम कभी आई? अभी नहीं ना, तो मेरे को तो बाहर ही है। मैं अभी कार्ड दिखाऊँ कि जब अंदर जाओ फाइनली तब दिखाऊँ? हाँ मैं तब तो वीडियो यहीं से कर लूँ। लाइट चल रहा है, लाइट चल रहा है। निकलने के भी वहीं से कर लो। हेलो एक्सक्यूज, हेलो सर, इट्स ओके, आई कैन मैनेज माय सेल्फ। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो सबके पास टाइम नहीं होता है, तो मेरे को लगता है, बट मैं अभी अंदर नहीं जाऊँगी, पहले वीडियो बना। ओके आप लोग सब लगे रहो, लाइफ पे लगे रहो, क्योंकि मैं अभी एंट्री करूँगी और मैं अभी जाऊँगी, बट मैं अभी नहीं जाऊँगी। अंदर के नज़ारे के लिए आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आई थिंक मैम आने वाली हैं या ऑन द वे। यस मैं इंतजार कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। रही रही इंतजार में, बस थोड़ी देर में हम लोगों को लाइव दिखने वाला है। अभी एसएल कॉन्सर्ट कल कानपुर में हुआ था, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। कॉफी पीना तो काफी क्राउड है। वाओ, मुझे आज एक बर्थडे में जाना है, पर मेरे को नहीं लग पा रहा है मैं इतना अच्छा छोड़ के जा पाऊंगी। वाओ, आई लव म्यूजिक। वाओ वाओ, चलो मैं थोड़ा सा एक राउंड लगाई हूँ, क्योंकि पता नहीं मैम कितनी देर में आएंगी। क्योंकि कुछ तो शुरू हो ही है थोड़ा बहुत, तो मैं लगे रही आप लोग देखते रहिए। मेरे को बाहर जाना है, लाइव बना रही हूँ। लाइव बना रही है तो क्या बोलते हैं, जाइएगा तो आना जाना हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं मान रहा हूँ। यहाँ पे आना शुरू हो गया ना? हाँ हो ही रहा है। चलिए थोड़ा अंदर देखते हैं, इधर गई थी उधर भेजा, उधर गई इधर भेजा, चलिए अभी देखते हैं कितनी बार इधर उधर जाना है। भाई पेशेंस, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, झटके खाने का। एक्सक्यूज मी, अभी उन्होंने कहा है इधर से एंट्री बंद हो गई, आप इधर से जाओ। फिर जाना आना जाती पास पढ़ना पड़ेगा। Thank you.
जहाँ जहाँ प्रोग्राम करने जाते हैं अजीब तरह की ऑडियंस हमको मिलती है। ये मेरा सर्वे पहली जो है कि जैसे आज की ऑडियंस जिसे हम श्रोता कहें तो सिर्फ लखनऊ में है। नंबर दो जिसे हम सुधारी काटते हैं सरोता, तो पहला श्रोता दूसरा सरोता, उसको आप कितना भी अच्छा प्रोग्राम दे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहेगा। और जो तीसरा वो श्रोता श्रोता सरोता और श्रोता, तो आई एम सो हैप्पी उसे से लखनऊ तो हमेशा से बहुत ही जहाँ तक संगीत साहित्य और कला की बात है तो लखनऊ से तो ऊपर और कोई जगह मुझे तो नहीं है। यहाँ कैसी वैसे मैं ये बात से मुझे नहीं कहता हूँ सीरियस। आइए बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री में मैं ये कह सकता हूँ कि इस गाने से सूफीज्म की शुरुआत हुई इस दौर के सूफीज्म, और सूफी यही होता है कि मौला यहाँ एक आकृति है उसकी तारीफ में शायर क्या क्या कहता है बहुत ही खूबसूरत ये तसव्वुफ की शायरी कहते हैं। आप लोग सब देखते रहिए एंजॉय करिए खूबसूरत गानों का। देखिए मैं आप लोगों को गाने सुनने दे रही हूँ इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा है, मैं भी देख रही हूँ मेरे को बहुत एंजॉय आ रहा है। यहीं के एक बहुत बड़े शायर मूल लखनवी, मुझे लगता है कि आज भी मूल लखनवी साहब की जगह पे और कोई इतना बड़ा शायर मेरी नजर में नहीं आया। वो लिखते हैं देखिए बड़ा शायर क्या है कि महबूबा के होठों की तारीफ शराब के छलो छल भरे हुए प्यारे से सागरे सहबा यानी शराब का बिल्कुल छलो छल भरा हुआ प्यारा जिसमें एक बूंद की भी गुंजाइश नहीं। अब देखिए महबूब के रसीले होठों की वो इमेजिनेशन देखिए जैसे सागर सहबा दिखाई दे जुम्बिश हो तो जाम झलकता दिखाई दे सरासी हरकत जुम्बिश हो तो जाम झलकता दिखाई दे और कैसी अजीब शर्त है कि दीदार के लिए आंखें जो बंद हो तो जलवा दिखाई दे। इतनी बड़ी बात है कैसी अजीब शर्त है कि दीदार के लिए आंखें जो बंद हो तो जलवा दिखाई दे। दरिया में तो होते हैं कतरे ही कतरे सब दरिया में तो होते हैं कतरे ही कतरे सब कतरा वही है जिसमें कि दरिया दिखाई दे वही है जिसमें के दरिया दिखाई दे कुछ ऐसा तालमेल हो सुकून तो सदा दे। सदा यानी आवाज सुकून यानी सन्नाटा, तो शायर कह रहा है कुछ ऐसा तालमेल हो सन्नाटे और आवाज में कुछ ऐसा तालमेल हो सुकून तो सदा में उसको पुकारू मैं तो उसी को सुनाई दे उसको पुकारू मैं तो उसी को सुनाई दे।
और पड़ती है उस बदन पे सात रंगों की छूट, जो रंग वो पहन ले सो गहरा दिखाई दे, जो रंग वो पहन ले सो गहरा दिखाई दे। क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे। कृष्ण बिहारी नूर, जो नूर लखनऊ के नाम से बहुत मशहूर, बहुत बड़े शहर। तो यहां आंखों की बात है, thank you.
थैंक यू। आप चाहेंगे कि वो फिर एक बार सुनाए? नहीं, अच्छा गाया था, बहुत अच्छा। अरे बहुत अच्छा, वो चाहे ना गाए लेकिन मैं इनके लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूँ कि नजर के तीर को जब सीख लो तुम कारगर करना, नजर के तीर को जब सीख लो तुम कारगर करना, कारगर करना सबको मालूम है, कारगर बोल अप्लाई ओके यस मैम आई नो। नजर के तीर को जब सीख लो तुम कारगर करना, दुआएं मैंने दी है पहले मुझ पर ही नजर करना, और मुझ पर ही नजर रखना ये भी जरूरी है। अक्सर ये बहस होती है कि आज तुम उस तरफ बहुत ज्यादा देख रहे थे, तो एक शेर मुझे भी मिल गया इसके जवाब में कि मेरा दीवानापन अब मुझ पे यूं असर लाता है, मेरा दीवानापन अब मुझ पे यूं असर लाता है कि हर चेहरे में मुझे तेरा चेहरा नजर आता है।
की गजल मेरी भी बहुत पसंदीदा। Thank you.
आइए एक और खूबसूरत गीत देशभक्ति की तरफ चलते हैं और जी बॉर्डर के उस तरफ चलते हैं जावेद अख्तर साहब की कलम का जादू इस गीत में जिंदगी का निचोड़ है इस गीत में बच्चा पैदा होने से लेकर के आखिरी दम तक की इसमें सारी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको बहुत ही खूबसूरती से समेटा है कहीं माँ का आंचल है कहीं गांव का पीपल है कहीं महबूब की आंखों का काजल है कहीं बरसता बादल है जिंदगी से भरपूर है ये गीत और ये सिर्फ अरबी तक सीमित नहीं है जो एनआरआई हिंदुस्तान छोड़ के काम के सिलसिले में गए हैं वो भी कहते हैं कि हमें बुलाती है धरती माँ मेरे यहाँ जो सब्जी वाला आता है वो भी कहता है कि साहब चिट्ठी तो हमें भी आती है कि घर कब आओगे तो आइए गीत हम डेडिकेट करते हैं हमारी इंडियन आर्मी के उन जवानों के नाम जो सरहद पर हमारी रक्षा के लिए तैनात है वी आर प्राउड ऑफ अवर इंडियन आर्मी और मैं चाहूँगा कि एक बार सब लोग मिलकर के लिए भूल गए Oh,
Thank you.
और बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी। हम जानते हैं कि कई सारे